फतह में दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए मुस्लिम धर्म गुरुओं ने गोष्ठी का शुभारंभ कर सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने का संकल्प दिलाकर 11 सदस्यीय समिति का गठन किया। समाज में फैलती कुरीतियों को रोकने के लिए सीमावर्ती यूपी बिहार स्थित ठकराहा थाना क्षेत्र अंतर्गत भतावां के मुसलमान अब सामने आ गए हैं। बाल विवाह, दहेज प्रथा, शादियाँ, किसी अवसर पर ऑर्केस्ट्रा, बैंड बाजा, डीजे एवं अन्य फिजूल खर्च पर रोक लगाने के लिए इस गांव के मुस्लिम युवकों ने एक बड़ा फैसला लिया है। इसके लिए इस गांव के वरिष्ठ नागरिकों का भी भरपूर समर्थन उन्हें मिल रहा है। इनको लेकर मदरसा गौसिया फैजुल उलूम के प्रांगण में हाफिज जमील की अध्यक्षता में एक गोष्ठी हुई। गोष्ठी का शुभारंभ ठकराहा क्षेत्र समेत सिवान और कुशीनगर जिले से आए मुफ्ती सदाम अजहरी, कारी जीवला साहब, मौलाना गुलाम साहब, मौलाना इकबाल आमजी व पूर्व जमुखिया अमरजीत यादव ने संयुक्त रूप से फीता काटकर गोष्ठी का आगाज किया। गोष्ठी में बिहार सरकार द्वारा बैन कुरीतियों के अनुपालन पर चर्चा हुई तथा इस्लामिक तौर पर भी मनाही होने के बावजूद वैसे कुरीतियों को समाज में बढ़ावा देने वालों को रोकने के लिए 11 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। वह कमेटी मुस्लिम समाज में फिजूल खर्च करने वालों को प्रतिबंध लगाएगी। यदि किसी व्यक्ति ने समिति का फैसला मानने से इनकार किया तो पूरा मुस्लिम समाज उस व्यक्ति का बहिष्कार कर देगा। समाज जन न तो उसके आयोजन में शामिल होंगे और न ही किसी आयोजन में उसे बुलाएंगे। फिजूल खर्च के साथ ही समाज में फैली बाल विवाह, अशिक्षा, सगाई तोड़ने वाली जैसी बुराइयों के लिए भी समिति ने नियम बनाए हैं। वहीं गोष्ठी में शामिल मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सामाजिक कुरीतियों से लड़ने का संकल्प लिया। मौके पर मौलाना सदाम हाफिज अली हुसैन मोहम्मद अक्सर हाफिज गुलाम मुर्तुजा अली हुसैन हरे राम गुप्ता अजय सिंह डॉक्टर वीरेंद्र यादव समेत दर्जनों ग्रामीण उपस्थित रहे।